तो भाई यहाँ पे आ चुका है अपना आईपैड, जैसा आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है यहाँ पे देखने में। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, साथ में इसके पेंसिल के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में आपको वीडियो जल्दी। यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। साहब एक्सपीरियंस सोच रहे हो। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, मेरा नाम है भूषण और आप मैं देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पर। दोस्तों मुझे पता है काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे वीडियो आया है, एंड गाइस ये देखिए क्या है। ओ भाई ये है एप्पल आई पैड एयर 4th जनरेशन। भाई बहुत टाइम से लेने का था एंड फाइनली ले लिया है, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा है यार। देखिए एकदम एलिगेंट सा लुक है। अभी इसका अनबॉक्सिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। देखिए भाई आपको दिखाने से पहले अनबॉक्सिंग करना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखना था एक्चुअल में डिवाइस आया या ही नहीं आया, कन्फर्मेशन चाहिए ना, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी इसे अनबॉक्स कर लिया। चलिए लेकिन आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। भाई देखिए कुछ इस तरीके से, तो पहले तो आपको आईपैड देखने मिलेगा। देखिए ये ब्लू कलर है एंड काफ़ी एलिगेंट सा लुक है, आपको यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। एंड साथ में यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में जैसे वीडियो आगे जाएगा। एंड फिलहाल तो हम इसे अनलॉक कर लेते हैं। तो ये हो चुका है अनलॉक, एंड कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अभी इसका स्मूथनेस कैसा है, एग्जैक्टली हर एक चीज़ किस तरीके से इसमें काम करती है उसके बारे में आपको बताना है। डेफिनेटली आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इसके अंदर कितना मतलब कैमरा क्वालिटी कैसा है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको भी अगर लेना है तो आप वीडियो को देख लीजिए पूरा। और क्या, वीडियो को देख लीजिए। अभी देखिए ये है एप्पल आईपैड एयर 4th जनरेशन। अभी इसके अगला वर्जन आ चुका है जो कि है 5th जनरेशन। तो क्या वो लेना ज़्यादा बेहतर है या फिर ये लेना ज़्यादा बेहतर है? और वैसे भी वो वाला जो है 5th जनरेशन, उसका प्राइस मेरे हिसाब से अराउंड 55,000 के आसपास आपको जाएगा। ओके, ये बस डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइस लगभग उतना जाएगा आपको। एंड उसके बाद में अगर आपको एप्पल पेंसिल लेना है या फिर इसका कवर लेना है, वो सब चीज़ें अलग से हो जाएगी, ये सब आपको पता है। अभी चलिए इसके बॉक्स पैकिंग के अंदर क्या क्या मिलता है वो बताओ आपको। तो देखिए इसके बॉक्स पैकिंग के अंदर आपको मिलता है आईपैड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है। उसके बाद में चार्जर मिलता है या नहीं मिलता, डेफिनेटली चार्जर आपको मिल जाता है यहाँ पे। अभी चार्जर मिल गया, आईपैड मिल गया, और क्या मिलता है? और बस थोड़े बस मैनुअल मिल जाते हैं एंड एप्पल के स्टिकर मिल जाते हैं, बस इतना मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ बहुत हो गई इसके लिए, यही बहुत। अभी कनेक्टिविटी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ही पोर्ट आपको देखने मिलेगा, ये देखिए ये यहाँ पे डाउन साइड में, यहाँ से आप चार्ज करोगे, टाइप सी है ये। एंड हेडफोन वगैरह तो कुछ मिलता नहीं इसके साथ, वो तो हमको पता है यार, एप्पल चीज़ है, महंगा है। इसके साथ अगर एप्पल के साथ अगर आपको हेडफोन वगैरह चाहिए वो तो अलग से खरीदना पड़ेगा, एप्पल का वो पॉलिसी है। ये हम आपको ये देंगे जो डिवाइस वगैरह नहीं देंगे भाई, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, वो आपका देख लीजिए। वो स्पीकर कैसा लेना है क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली ये तो मैंने अनबॉक्स करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको डिटेल में और बताता हूँ, इसका बी रोल शॉर्ट्स वगैरह वो सब डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। लेकिन देखिए एक बार सुन लीजिए, अभी इसको मुझे लेना है पहले तो कवर, तो कवर कौन सा लेना है क्या लेना है वो मैं आप देख लेता हूँ। मैंने वैसे परचेस कर लिया है, आपको बता ही दूंगा मैं। एंड साथ में इसका जो पेंसिल होता है, तो वो पेंसिल एंड कवर दोनों का भी वीडियो जल्दी ही मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। एंड साथ में अभी आपको क्या होगा, आपको ये वाले चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू दिस एप्पल आईपैड एयर 4। एंड साथ में थोड़ा बहुत एप्पल के और डिवाइसेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो उसकी चिंता नहीं है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वाले चैनल पर जिसका नाम है भूषण रॉइड। तो यहाँ पर आपको सब चैनल मिल मतलब सब रिव्यू मिल जाएगा अलग अलग गैजेट्स का, तो टेंशन लेने की बात नहीं। मुझे पता है काफ़ी दिनों से यार कुछ वीडियो नहीं आया, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था, सो दिक्कत नहीं है, आप सब चीज़ आ जाएगा, टेंशन वाली बात खत्म हो गई। चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलने वाले हैं इस चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं अभी इसके डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे आ चुका है अपना आईपैड, जैसा आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है यहाँ पे देखने के लिए भी। एंड देख सकते हो आप मतलब ये कितना ज़्यादा स्मूथ है गाइज, ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। अभी जो है इसका डिटेल में, अभी इसके अंदर मैंने कुछ गेम्स भी डाउनलोड करके रखे, तो गेम्स एग्जैक्टली कैसे चलता है किस तरीके से चलते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डाउन साइड में इसके स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अपना टाइप सी वाला पोर्ट है, चार्जिंग वाला पोर्ट, एंड यहाँ पे आपको वापस स्पीकर मिलते हैं। तो स्पीकर इसमें के अंदर कितना मिलता है, देखिए ये एक स्पीकर है, ये यहाँ पे सेकंड स्पीकर है, और यहाँ पे तो अपना चार्जिंग का केबल है। अभी हम इसे इस तरीके से देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है,
एंड यहाँ पे आपको वापस एक बार स्पीकर मिल जाते हैं। क्या ये रोटेट होता है? जी हाँ, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री में रोटेट हो जाता है। अभी हम इसे हर एंगल में रोटेट करके देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, तीन एंगल तो हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ये वाला एक एंगल रह गया है, तो ये फाइनली ये वाला एंगल भी कवर यहाँ पे हो चुका है। एंड अभी इसका स्मूथनेस आपको दिखाना है मुझे, तो स्मूथनेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहली तो बात, हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर सीधा। एंड गाइस, हम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे ओपन हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। ना अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो कौन से इस पर चल रही है, ये चल रहा है भाई आईपैड ओएस 15.5। तो ये इसका अपडेट जो है वो आ चुका है, इसका अपडेट हमने डाउनलोड यहाँ पे कर लिया है। अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली किस तरीके से चल रहा है, लेकिन अब यहाँ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ना, थोड़ा मैं इसे फोकस कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए कितना स्मूथली मैंने इसे किया, देखिए कितना स्मूथली ये बहुत आसानी से जो है वो ऊपर एंड नीचे जो है फटाफट यहाँ पे हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है इसके अंदर। स्मूथनेस की अगर मैं बात करूँ ना, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त स्मूथनेस इसके अंदर आपको देखने मिल जाती है। तो यही सब चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे लगती है आईपैड की। अब आईपैड के अंदर अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी इसके अंदर क्या है ना, गेम्स वगैरह वो सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताने। इसकी एक खास बात बताऊँ आपको, ये देखिए ऊपर से ये इसका ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस की इंटेंसिटी देखिए आप कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अभी ये फुल ब्राइटनेस हो चुका है, काफ़ी तगड़ा वाला ब्राइटनेस है। मुझे पता है ये कैमरा के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। एंड ये देखिए, ये हो चुका है पूरा ज़ीरो, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल जैसा आप देख सकते हो अभी। तो ये रात के टाइम में एंड ये दिन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला फीलिंग आपको देखने वाला है। चलिए अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ, मतलब पीछे की साइड से किस तरीके से दिखता है ये। ये देख सकते हो आप, क्या अफलातून है भाई, क्या अफलातून है। ये देखिए, ये रहा इसका कैमरा, लगभग 12 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट, मतलब बैक कैमरा है, फ्रंट नहीं, फ्रंट थोड़ा सा कम है लेकिन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस टाइम कॉल वो सब चीज़ आप कर सकते हो। एंड गाइस, जस्ट आप एक बार देखिए तो सही यार, कितना ज़बरदस्त डिवाइस है ये, कितना ज़बरदस्त डिवाइस है ये। है बेसिकली 10.9 इंचेस का डिवाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मुझे लगता है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड जैसे मैंने आपको पोर्ट्स की वगैरह बात करके बता दिया है किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये अनबॉक्सिंग है, बेसिकली मैंने भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको बताओ भी क्या मैं ज़्यादा, लेकिन जितना इस्तेमाल किया है उस अकॉर्डिंगली तो मैं आपको बता सकता हूँ यार, बहुत तगड़ा चल रहा है। अभी जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या फोटो एडिटिंग हो गया आपका, तो वो सब चीज़ें भाई एकदम तगड़ी वाली चलती है इसके अंदर। अभी जो है इसका अगला जो वीडियो आने वाला है, उसके अंदर मैं आपको नोट्स ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में इसके बारे में किस तरीके से एग्जैक्टली भाई ये एप्पल का लोगो तो देखिए भाई, ये चमकता है भाई, चमक चमक है इसके अंदर, देखिए रिफ्लेक्शन, देखिए चमक, देखिए भाई इसके अंदर इतना तगड़ा वाला चीज़ है। और इसके बारे में भाई डिटेल में जो वीडियो आने वाला है, नोट्स के ऊपर भाई, इसकी पेंसिल के ऊपर, इसकी कवर के ऊपर भाई, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको भी ऐसे बढ़िया बढ़िया से जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल डेली बेसिस पर यहाँ पर मिलते रहे। एंड ये कुछ इस तरीके से हमें अपर साइड से देखने मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। देखिए आप कितना बड़ा है ये, आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाज तो यहाँ से हो चुका होगा कितना ज़्यादा ये बिग है। ये देखिए, वापस एक बार दिखाना चाहता हूँ मैं, देखिए गाइस कितना ज़्यादा बड़ा है ये, मतलब ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्या आपके पास है, नहीं है, या आप लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो इसका बैटरी टाइम है, कितना मिलता है, कितना टाइम चार्जिंग को लगाता है, हर एक चीज़ के बारे में अगले वीडियो में डेफिनेटली बताएंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई यहाँ पे मुझे लगा कि आपको कुछ गेम का परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, तो भाई आप देख सकते हो कि गेम का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप क्या ज़बरदस्त इसका जो, मतलब जो ये ग्राफिक्स देखिए गाइस, ग्राफिक्स देखिए। अब तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ठीक से खेल नहीं पा रहा हूँ, आई होप आपको समझ पा रहे हो यहाँ पे, लेकिन भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे शूटिंग कर लेता हूँ। चलिए ये देखिए ग्राफिक्स देखिए गाइस, आप ग्राफिक्स देखिए, मैं इसे थोड़ा सा घुमाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ यार, ये एक हाथ से जमता नहीं है, है ना। तो फिर भी चलिए हमने ट्राई किया है यहाँ पे इसे बंदे को भगाने के लिए। भाई देखिए क्या तगड़ा वाला है, ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। अभी आप सोच के देखिए पबजी विबजी इसके अंदर कितना ज़बरदस्त चलने वाला है। ये तो कौन सा गेम है, मैं जो इसके डाल के रखा हुआ है गेम, भाई ज़्यादा मैं खेलता नहीं, लेकिन वो भी तगड़ी वाली फीलिंग है भाई, तगड़ी वाली फीलिंग। चलिए बंदा आ गया आगे और उसे हमने मार भी दिया है सीधा सीधा भाई। थोड़ा इसका साउंड हम बढ़ा लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से सुनाई दे, साउंड फुल। अब आएगा ना मज़ा, ये देखिए धूम भाई। यहाँ पे जो है मेरा बंदे लोग काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ काम कर ही नहीं रहा,
मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि एक हाथ में अपन ने कैमरा पकड़ा है। ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं। ओ वाह 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 वाह, ऊपर भी बहुत बढ़िया है यार। ये ट्रेन में जा रहे हैं हम, ट्रेन में घूम रहे हैं। देखिए ओ भाई, गिर ना जाने से, और छुपके से हम अंदर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, ये यहाँ पे बंदा दिख रहा है मुझे, ऑटो फायरिंग ऑन करके रख दिए किसी के ना कि ये देखे क्या फायरिंग चल रही है। वो भाई साहब, एक्सपीरियंस सोच रहे हो। ओ भाई गया, मेरे हिसाब से मैं तो गया अभी, क्योंकि भाई अपने पास कुछ नहीं। ओ भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसका आवाज़ मैं कम कर लेता हूँ। तो गाइज आपने देखा यार कितना ज़बरदस्त है, मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस तो यार मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस है भाई। कोई भी गेम देख लीजिए आप, इतना ज़बरदस्त का इसका ग्राफिक्स है ना, काफ़ी ज़्यादा ना। अभी अपने ऑडियो तो सुन लिया किस तरीके से यहाँ पे ऑडियो होती है, तो जो है इसका ऑडियो का क्वालिटी भी मैं आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा। तो ज़रूर से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। साथ में इसके पेंसिल के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए मैं अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, अभी इसका डिटेल में आपको वो तो सिर्फ चीज़ें बता चुकी है। ये देखिए मैं ऊपर वाले बंदे को यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लो हम जीत चुके हैं। चलिए मैं अभी वीडियो को बंद करता हूँ, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात वापस हो जाएगी।